तक आपने नमाज अदा नहीं की तो पहले आप नमाज अदा कर लें, उसके बाद आप ये वीडियो देख लें। साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, बहुत अनोखे स्टाइल से बनाएंगे। इस स्टाइल से आपने अभी तक पाकिस्तान में ये रेसिपी बनती हुई नहीं देखी होगी इंशाल्लाह, और आप इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो जनाब देखते हैं रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और बनने क्या लगे, मैं आपको भी बताती हूँ। थोड़ा सा वो प्रोसेस तैयार हो जाए, मैं आपको बताती हूँ कि बनाने क्या लगे हैं। तो जी देखते हैं हमें उस रेसिपी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप आटा चाहिए हमें, गंदम का व्हीट फ्लोर। एक कप हमें ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा चाहिए। 1 टेबलस्पून हमीर चाहिए, यीस्ट। 1/2 टेबलस्पून चीनी चाहिए, शुगर। 1 टेबलस्पून नमक चाहिए, सॉल्ट। और पानी चाहिए हसबे ज़रूरत, और ऑयल चाहिए हसबे ज़रूरत। सबसे पहले हम आटा डालेंगे अपनी परात में। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे मैदा। अब हम शामिल करेंगे हमीर। साथ ही शामिल कर देंगे चीनी, साथ ही नमक भी शामिल कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। अब ये देखिए सारी जो चीज़ें हैं इनको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है, मिक्स कर लेना है। इस तरीके से ऑयल अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा और ये जो ढेलियाँ बनी हैं, गुटलियाँ बनी हैं, ये नहीं बनेंगी। साथ साथ आपने कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये देसी किचन, ओपन किचन जो कि मैंने छत पे बनाया है, मिट्टी का किचन, आपको कैसा लगा है ये आपने ज़रूर बताना है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे पानी। पानी को आपने आराम आराम से ऐड करना, उसको हार्ड गूंदना, आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। अभी अच्छे तरीके से गूंदा जा चुका है। अब हमने क्या लेना है, ये देखिए ये साफ ज़्यादा हुआ, नया शॉपर है। अब शॉपर ले के हमने ये जो डो गूंदा है इसको इसके अंदर डाल देना। अब इसको हमने गिरा लगा देनी है। ये देखिए अब इसको गिरा लगा दी है और आटे को इसमें रखे, और आटे को तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने रखना है, जब तक ये इससे डबल साइज में ना हो जाए। अब मैं इसके ऊपर ये दे के ढक्कन इसको रख दूंगी। ये तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने रखना है, इसको अच्छे तरीके से राइज होने देना है। ये अपने साइज से डबल का हो जाएगा जब तब ये आपका डो रेडी होगा, जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ उसके। 2 घंटे हो चुके हैं, आग हमारी जल चुकी है और जो हमारा डो है ये देखें उसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें वो डबल हो चुका है, ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको खोलेंगे। थोड़ा सा आटा भी इसमें नीचे शामिल कर लें। अब इसके ऊपर हमने ऐसे करके ना उल्टा, ये देखो आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए हम इस तरह की शेप में आ गया। अब हम इसको काट लेंगे।
ले लेने हैं, मोटी बजरी लेनी है, कोशिश करनी है ये देखिए इनको इस तरीके से हमवार करके आपने क्लियर बना लेनी है। कोई भी बड़ा बर्तन ले लेना, मेरे पास ये वाला बड़ा बर्तन था, इसमें मुझे लगता है कि ठीक बन जाएगी ये रेसिपी। अब इसको आपने रख देना आग पे, अब इनको अच्छे तरीके से गर्म होने देना है, ठीक है। अच्छे तरीके से जब ये हीट अप हो जाएंगे उसके बाद फिर हम करते हैं। अब आपको पता चली क्या होगा कि हम क्या बनाने लगे, हम पीटा ब्रेड बना रहे हैं ओवन की मदद के बगैर और फ्राई पैन के बगैर, स्टोन के ऊपर बेक करेंगे इसको अच्छे तरीके से। इसको अरबी में खुबस भी कहते हैं, इसको पीटा ब्रेड भी बोला जाता है, इसको शवारमा ब्रेड भी बोला जाता है और इसको पॉकेट शवारमा ब्रेड भी बोला जाता है। जब तक वो पत्थर अच्छे तरीके से गर्म होते हैं तब तक हम इसको बना लेते हैं। इसको हाथों की मदद से कोशिश करें आप फैला लें। एक ब्रेड को हमने अच्छे तरीके से फैला लिया। अब ये हमारे पास अचार है तो छापर है, तो ये छापर आपने खोल के नहीं, साफ और नए छापर है, अरे छोड़ दो उसको, इनको खोल के ना आपने इसके ऊपर बारी बारी दे देना। वजह ये है कि ये ब्रेड बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और एक तो चिपकेंगी नहीं ये साथ और थोड़ी सी ये राइस भी हो जाएंगी। इधर देखो, इधर देखो, चो बेटा। हल्का हल्का आपने इसको रोटी की तरह कर लेना, ज्यादा नहीं करना ना ही ज्यादा पतला करना है आपने इसको, नॉर्मल रखना है। ये छोटी बनी है हमारी, हमारी चारों ब्रेड्स हमने रख दी हैं। आपकी थोड़ा सा राइस होंगी, राइस मतलब थोड़ी सी फूल जाएंगी, तब तक हमारे स्टोन्स भी गर्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पीटा ब्रेड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, राइस हो चुकी है, फूल चुकी है, यहाँ से एहतियात से उठाएंगे। अब इस पे आपने हल्की आंच रखनी है, लकड़ियों की है, इसको मैनेज करती हूँ मैं हल्की आंच को। हल्की आंच पे इसको आपने पलट पलट के पकाना है, ब्रेड को इसके ऊपर डाल के आपने इसको कवर कर देना है किसी चीज़ से, ये देखिए ऐसे। इससे ये होगा कि उसकी जो स्टीम है उसका सेक ज़्यादा उसको लगेगा अच्छे तरीके से। हल्की आँच पर आपने इसको बनाना है। इसको कोई एक दो मिनट हो गया, मैं इसको देखती हूँ, चेक करती हूँ। ये देखिए इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, फूल भी रही है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे तरीके से कुक हो रही है। ये ऐसी रेसिपीज हैं जिन्हें प्रिमिटिव रेसिपीज भी आप कह सकते हैं। जंगलों में, बाहर खुले में, आप बाहर कहीं जाते हैं, पत्थरों पे आप ये चीज़ें बना सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको घर से कोई ज़रूरत नहीं वजनी वजनी चीज़ें लेके जाने की, ओवन लेके जाने की, तवे लेके जाने की, बस एक बर्तन हो उसी में आपका सब कुछ तैयार हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा से कहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है और लाइक वीडियो को जरूर किया करें। ब्रेड भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया, खोलते हैं इसको, चेक करते हैं। पीछे से भी पक चुकी है, फिर पक चुकी है, इसको रखते हैं। छेड़ना, इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है और ये खुद ब खुद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी वैसे ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, लेकिन इसको मजीद सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। पांच मिनट के लिए हमने इसको रख दिया था, अब इसकी ठंडी हो गई है थोड़ी थोड़ी, अब इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी नरम है और ये देखें लचक है इसके अंदर कितनी ज़्यादा, ये देखें अकड़ेगी नहीं। ये फ्रिज में आप रख सकते हैं, इसको ओवन में गर्म कर सकते हैं, इसको पराठे की तरह सेक सकते हैं।
ये देखें कितनी नरम है अंदर से और कितनी सॉफ्ट है, ये देखें, ये देखें बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह की हम कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें पैदा की हैं खाने पीने वाली, जिनको हम आपस में इस्तेमाल करके नए नए तरीके से नई चीज़ बना सकते हैं अपने खाने के लिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बिल्कुल यूनिक थी, आपने इससे पहले ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब धूप बहुत हो गया, अब यहाँ से चीज़ें वगैरह उठाते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।